Marina Sandés, dai. स्वागत है आपका मारीना संदेश लाइव में। आज हम मौजूद हैं घोसी विधानसभा 354 में समाजवादी समर्थित प्रत्याशी चुनाव चिन्ह चाबी जिनका है सुधाकर सिंह जी, जो कि घोसी के पूर्व विधायक जी भी हैं, विधायक हैं। और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी कुछ दिनों पहले भी हमने आपका साक्षात्कार लिया था, उस समय चुनावी परिवेश क्या था और आज क्या क्या चुनावी परिवेश है। आप क्षेत्रों में जा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी क्या मजबूतियाँ हैं? 44 बरस से मैं राजनीति कर रहा हूँ। जयप्रकाश आंदोलन में मैं काफ़ी दिनों तक भारत में सबसे कम उम्र में मैं 14 वर्ष की अवस्था में जेल हमने काटा है। तब जेल में मैं रहा हूँ इमरजेंसी में। तब से आज तक मैं केवल राजनीति ही किया हूँ, दूसरा साइड का और कोई काम हमने नहीं किया है। और जनपद का कोई गांव नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है कि जो हमारे साथ ना हो। सारे जात धर्मों के लोग हमारे साथ हैं और सबका सहयोग मिल रहा है। मैं भारी मतों से चुनाव जीत रहा हूँ। उससे जो है वर्तमान सरकार और उसके प्रशासन के लोग भयभीत हैं और हमारे ऊपर तरह तरह के, पहले हमारा सिंबल काटा गया, फिर उसके बाद जो है हमारी ज़बरदस्त गाड़ियाँ चेकिंग की जा रही हैं, हमको परेशान किया जा रहा है। और तरह तरह के से जितने भी हो सकता है उतना प्रशासन हमको परेशान कर रहा है। कहा जा रहा है कि इस समय घोसी में आपकी लड़ाई विजय राजभर से है, जिनको जिताने के लिए दो मंत्री भी यहाँ घोसी विधानसभा 354 क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनका चुनाव निकल जाए। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव में वो आपसे मजबूत हैं, ये आप चुनाव निकाल सकते हैं? भाजपा और बसपा दोनों जितना मिल करके उठ पाएंगे उतना मैं अकेले पाऊंगा। या हमको चुनाव नहीं हरा सकते, चाहे 20 मंत्री लग जा, यदि प्रशासन में ही पीछे पड़ा हुआ है केवल जनता के बल पर। जनता मुझको जिताना चाहती है और दोनों पार्टियां जितनी वोट पाएंगी उतना मैं अकेले पाऊंगा। आप बता रहे हैं कि प्रशासन आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो क्या लगता है कि व्यक्तिगत द्वेष की भावना से या कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? व्यक्तिगत द्वेष कुछ है ही नहीं, क्यों पॉलिटिकल प्रेशर है। और कहा जा रहा है कि आपका वोट काटने के लिए कय्यूम अंसारी भी काफी अच्छा मुस्लिम वोट काट रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कय्यूम अंसारी आपका वोट कितना काटने में सफल हो सकते हैं? कय्यूम अंसारी को जो बहुजन का वोट है वो भी नहीं मिल रहा है। और बात मैं आपसे क्या कहूँ, उनको तो वही वोट नहीं मिल रहा, वो 40% वोट हमको मिल रहा है। माइनॉरिटी मुकम्मल मेरे साथ है, उनके पास वोट कहाँ है? कहा जा रहा है कि कय्यूम अंसारी चेयरमैन पति हैं और कुछ लोग उनको विकास पुरुष के रूप में देखते हैं, कहते हैं कि अभी उनका क्षेत्र छोटा है तो वो छोटे एरिया में विकास कर रहे हैं, जब उनका विधायक बन के क्षेत्र बड़ा हो जाएगा तो बड़े एरिया में भी वो विकास करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि विकास पुरुष को आप किस दृष्टि से देखते हैं? ऐसी टाउन एरिया हमारे क्षेत्र में 4 है और इसी टाउन एरिया में हमेशा मैं 13,000 से लेकर 14,000 और 6,000 पिछली बार मैं पा गया था, नहीं तो हर बार 13-14 हज़ार वोट पाता हूँ, इस बार तो 15-16 हज़ार पाऊँगा। आपको क्या लगता है कि अब की आपके वोटों का कितना अंतर पड़ेगा, पिछली बार से आपको वोट कितना अंतर होगा? दूना वोट हमको मिलेगा, 1,20,000 से ऊपर हम रहेंगे। अंत में हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव के माध्यम से अपनी घोसी विधानसभा 354 की जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अपनी विधानसभा 354 के सारे मतदाताओं से मैं आग्रह करूंगा कि मेरी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ में आज 44 वर्ष बीत गए, राजनीति में केवल मैंने सब सेवा किया है। मैं आज तक कभी एक पार्टी के अलावा दूसरा दल कभी मैंने बदला नहीं है। हमेशा मैं आज 44 वर्ष का मैं भी चाहता तो दल बदल करके कई पार्टियों से कई बार विधायक हो सकता था, लेकिन हमें कभी समय देख करके पद के लिए परिवर्तन नहीं किया है।
एक ही दल में हूँ, इसीलिए सारी जनता हम पर विश्वास करती है और सब हमको वोट देगी। और जनता से मेरा आग्रह है, आग्रह को हमारे वो स्वीकार कर चुकी है। समाजवादी पार्टी से समर्थित मैं उम्मीदवार हूँ, हमारा चुनाव चिन्ह चाभी है और चाभी पर सारे लोग मोहर लगा करके मऊ जिले का कोई भी प्रतिनिधि मऊ के अंदर बटन दबा करके, मऊ जिले का चूंकि कोई प्रतिनिधि इस जनपद का नहीं है, अकेला मैं इस जिले का मैं प्रतिनिधि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। न जितने जीतने वाले हैं MLA से लेके MP तक सब बाहरी हैं और हमको यहाँ की जनता बटन दबा करके 21 तारीख को चाभी निशान पर भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। अब हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष धनप्रकाश यादव जी भी मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई भी प्रत्याशी अपने आप को जीतता हुआ ही महसूस करता है, आपको क्या लगता है कि आपके प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं या कि लड़ाई से बाहर हैं? आज की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उस परिस्थिति को देखते हुए हमारे प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह जी चुनाव भारी मतों से जीत रहे हैं। इससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा कुंठित मानसिकता रखते हुए शासन प्रशासन के दबाव में जहां हमारा चुनाव निशान साइकिल होना चाहिए था, हमारे साइकिल चुनाव निशान को नहीं दिए, कहीं कहीं खारिज करने का काम किए, तब मजबूरी में हम लोग चुनाव निशान चाबी लेकर के चुनाव मैदान में लड़ने के लिए आए हैं। जहाँ तक चुनाव आचार संहिता की बात होती है, हमारे तरफ सबकी निगाहें हैं, हम चुनाव आचार संहिता का पालन करके चलने वाले समाजवादी पलटन के लोग, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियां घूम रही हैं, मंत्री घूम रहे हैं और पूरा उनका हूटर बज रहा है, सायरन बज रहा है, प्रोटोकॉल लोग कायम करते हुए चल रहे हैं, कहीं एकदम भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए इस घोसी विधानसभा में घूमते नजर आ रहे हैं। और दूसरे तरफ हम लोगों की जो परिस्थितियाँ विपरीत बनी हुई है, इस दशा में भी ये समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जिनका चुनाव निशान आज की तारीख में चाभी निशान है, चाभी निशान के प्रत्याशी हमारे श्री सुधाकर सिंह जी जो भारी बहुमत से इस घोसी विधानसभा में जीत हासिल करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया है कि प्रशासन द्वारा आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो किस तरीके की प्रताड़ना दी? तमाम तरह से, हमारे आरोप से लेकर के और निर्वाचन अधिकारी से लेकर के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पर निगाहें गड़ाए न हो और कुंठित मानसिकता न रखे हो। जिसका जीता जाता सबूत दिखाई दे रहा है, हमारे गाड़ियों को परेशान करना, हमारे लोगों को परेशान करना, हमारे मतपत्र को लेकर के वो अपील वगैरह जो भी हमारे लेकर के चलने में, सब पर हमको बाधा कहीं कहीं पहुँचाई जा रही है। अगर इस तरीके की परिस्थिति चुनाव के अंत तक बनी रही तो क्या आप लोगों को समाजवादी पार्टी के लोग कहीं ना कहीं निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को दबाना शासन प्रशासन के बस की बात नहीं है। हम निश्चित रूप से हम ये चुनाव जीतेंगे और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव जीतेंगे।